नमस्कार दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल जो हर किसी के दिमाग में रहता है कि कैसे जो है पुराना छत जो कि चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल बाद ढलाई हो चुका है और नया छत को जब जोड़ेंगे तो उसका तरीका क्या है, क्या उसमें कुछ केमिकल डालना पड़ेगा या बस ऐसे ही जो है बस ये वाला छत तो है ही, दूसरा छत को लाएंगे दोनों सटा दूसरा छत को जो सटा करके ढलाई कर देंगे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलते हैं आज हम इसमें पूरा डिटेल के साथ जानते हैं कि मान लिया जाए कि ये आपका हो गया ओल्ड छत, ये आपका ओल्ड रूफ। अब यहाँ पे हम जो है एक नया छत बनाएंगे इस साइड में, तब क्या करेंगे? अब क्या है कि जब भी कभी आप पुराना छत को नया छत से जोड़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप वहाँ वीडियो देखते रहिएगा, हम केमिकल का नाम भी बताएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह कि इस एरिया को आप जो है यहाँ पे रफ कर देंगे। अगर यहाँ से वाल है तो आप जो है इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं इस एरिया को कंक्रीट को, तो आपको यहाँ पे रेनफोर्समेंट एंकरिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे एंकरिंग केमिकल एंकरिंग से आपको सरिया एंकरिंग करना पड़ेगा। यानी तो अगर आपको एक कैंटिलीवर निकला हुआ तब आप कम से कम जो है डेढ़ फीट आप इसको जो है पूरा तोड़ सकते हैं। डेढ़ फीट तोड़ेंगे तो आपका सरिया आपको दिखने लगेगा, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट। अब जब ये पूरा टूट जाएगा आपका, ठीक है, ये पूरा रफ रहेगा, ये टूट जाएगा तो नया सरिया का जो है आप जो है इसके साथ जोड़ करके ये छत बनाएंगे और ये आपका पूरा जो है कंक्रीटिंग कर देंगे। ये एक आपका तरीका हो गया, ठीक है, मतलब कि नया आपका जो है पुराना छत और ये न्यू छत, न्यू रूफ। फिर से क्लियर करता हूँ, ओल्ड रूफ और ये न्यू रूफ, ठीक है, और ये हमेशा ये क्या करना चाहिए, रफ रहना चाहिए। अब क्या है, ये अब रफ जो रहेगा इस एरिया को आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना, और ये रफ भी जो रहेगा तो स्लोप में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम इस तरह का होना चाहिए, ये गलत रहेगा, पूरा ये जो है रफ जो रहेगा स्लोप में रहेगा, जिससे क्या है कि भाई किसके साथ बॉन्डिंग अच्छा हो पाएगा नया छत के साथ। अब इसमें क्या मिलाएंगे हम, यहाँ पे एक केमिकल का नाम मैं बता रहा हूँ, फॉस्रोक का आता है आपका नीटो बॉन्ड ईपी, जो कि आपका ये कंक्रीट बॉन्डिंग एजेंट हो गया, नीटो बॉन्ड ईपी फॉस्रोक का आता है, जिसमें आपका दो डब्बा रहेगा, जब भी कभी आप लेंगे सिंगल लेवल दो डब्बा मिलेगा, जिसमें रहेगा ए और बी पार्ट, ए आपका बेस है और बी आपका हार्डनर है। इस दोनों को जब यूज करने से, जब यूज कंक्रीट ढलाई से आधा घंटा पहले, मतलब कि इसको जब मिला देंगे दोनों चीज ए और बी को, ये आपका आधा घंटा के बाद ये पूरा ड्राई हो जाएगा, इसलिए आप ए और बी को, ए प्लस बी को मिक्स करके जहाँ पे आपका पुराना छत है, जो पुराना छत आपका है उसके साथ आपको क्या करना है, इसको ब्रश से उस पुराना छत पे लगा देना है और फिर नया छत का जो कंक्रीट है डाल देंगे तो ये आपका बॉन्डिंग एक प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। यही एक तरीका है अगर आप पुराना छत और नया छत को जोड़ना चाह रहे तब। तो फॉस्रोक का ऐसे आपको बहुत ऐसे भी प्रोडक्ट है, सिक्का हो गया, परमा हो गया, बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसमें भी आपका जो है बॉन्डिंग एजेंट आता है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया नीटो बॉन्ड ईपी का, इसको आप इस्तेमाल करके पुराना छत और नया छत को जोड़ सकते हैं, जिससे क्या है कि हाँ क्रैक डेवलप नहीं होगा और आपका जो है क्रैक डेवलप नहीं होगा और पकड़ जो है अच्छा बना रहेगा। जस्ट जब दोनों को मिलाएंगे तो आपको जो है लस्सा टाइप, जैसे फेविक्विक टाइप का होता है ना,
वैसा ही रहेगा, जिससे कि पूरे अच्छी तरह से कंक्रीट, पुराना कंक्रीट और नया कंक्रीट पूरा अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे थैंक्स का टैब है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और ख़ास करके हमारे चैनल वाक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।